बिस्मिल्लाहिर्रहमान निराई मैम सादिया एयर फ्रॉम स्टेट लाइफ ब्रांच एंड डी एच ए गाजी रोड ब्रांच क्लास वन बेटा ओपन योर उर्दू रीडिंग बुक ओपन पेज नंबर 25 सबक नंबर 7। आज हम पढ़ेंगे दांतों की सफाई। इसमें इस सबक में हम देखेंगे कि बच्चों को कितनी दफ़ा दांत साफ़ करने चाहिए और दांत क्यों साफ़ करने ज़रूरी हैं। ठीक है, ये देखें, जैसे ये बच्चा है अपने टीथ चेक करवा रहा है। ठीक है, एक दिन आपने बहुत अच्छे से वन क्लास रीडिंग करनी है। ओके, एक दिन अली जब स्कूल से वापस आया तो वो रो रहा था। अम्मी ने पूछा कि वो क्यों रो रहा है, तो उसने बताया कि इसके दांत में दर्द है। अम्मी जान इसको डॉक्टर के पास ले गई। अम्मी जान क्लिनिक में दाखिल होते हुए, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहेब। डॉक्टर साहेब वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान डॉक्टर साहब अली के दांत में दर्द है, आज स्कूल से आने के बाद उसने कुछ नहीं खाया। डॉक्टर साहब अली बेटे ज़रा मुझे अपने दांत दिखाएं। डॉक्टर साहब दांतों का बगौर मुआयना करते हुए मतलब अच्छे तरीके से उनका चेकअप करना। अरे आपके दांत में तो कीड़ा लग गया है, क्या आप रोज़ाना दांतों को साफ़ नहीं करते? बेटा अगर आप भी डेली अपने दांतों को साफ़ नहीं करेंगे तो आपके दांतों में भी कीड़ा लग जाएगा। ठीक है, अली मैं कभी कभार दांतों को साफ़ करता हूँ, अक्सर सिर्फ कुली कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब नहीं बेटा, दांतों को रोज़ाना साफ़ करना चाहिए और ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। हाँ एक बात याद रखना कि चॉकलेट और टॉफियाँ खाना सख्त नुकसानदेह है और इससे दांतों की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता पैलिक की तह जम जाती है। ठीक है, मतलब एक येलो सी तह जम जाती है दांतों पे। ठीक है, अम्मी जान डॉक्टर साहब बच्चों और बड़ों को रोज़ाना कितनी मरतबा दांत साफ़ करने चाहिए? डॉक्टर साहब सुबह नाश्ता करने के बाद और रात को सोने से पहले दांतों को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। अम्मी जान डॉक्टर साहब क्या रात को दांतों को साफ़ करना ज़रूरी है? डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, रात खाना खाने के बाद ग़िज़ा के ज़र्रात छोटे छोटे ज़र्रे, ठीक है, हमारे दांतों में रह जाते हैं। अगर दांतों को बाकायदा साफ़ ना किया जाए तो ये ज़र्रात कीड़ा लगने का सबब बनते हैं। अम्मी जान डॉक्टर साहब क्या अली के दांतों से कीड़ा अब कभी ख़त्म नहीं होगा? डॉक्टर साहब अगर अली वादा करे कि वो रोज़ाना दांतों को साफ़ करेगा, चॉकलेट टॉफियां और मीठा मुनासिब मकदार में खाएगा तो दांत का दर्द ठीक और कीड़ा साफ़ हो सकता है। अली जी मैं वादा करता हूँ कि मैं रोज़ाना सुबह नाश्ता करने के बाद और रात को सोने से पहले दांत ज़रूर साफ़ करूँगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ खाने के बाद कुल्ली भी करूँगा इंशाल्लाह। ओके बेटा, आपने अपनी इस रीडिंग को अच्छे से डन करना है विद योर पेरेंट्स। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।